तालाबंदी के दौरान निजी बस मालिकों को लाखों का नुकसान। नारायणगढ़, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत देश में लॉकडाउन है। 22 मार्च 2020 से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के आदेश से पूरे प्रदेश में साथ साथ मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले की 700 से अधिक बसों के पहिए थम चुके हैं। जो बड़े जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही हुई है, जिससे निजी बस मालिकों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार निजी बस मालिकों से यात्री कर की राशि 30 अप्रैल तक जमा कराने के लिए दबाव बना रही है, जबकि बसों के पहिए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के निर्देशन पर थमे हुए हैं। जो फिर आखिर क्यों राज्य सरकार टैक्स वसूल करना चाहती है? इस ओर क्षेत्र के सांसद और विधायक जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। बस मालिकों को प्रत्येक बस पर प्रतिदिन 3000 के लगभग बीमा, फिटनेस, ब्याज एवं स्टाफ का खर्च हो रहा है। मल्हारगढ़ संवाददाता हीरालाल रेबारी की रिपोर्ट। जैसा कि पूरे विश्वव्यापी जो ये एक ऐसा वायरस है और जिसके चलते लगभग 22 तारीख के बाद से जितने भी वाहन, फोर व्हीलर वाहन हैं, उनके चक्के जाम पड़े हैं। और मंदसौर ज़िले में जो रामपुरा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और जो है आपके मंदसौर रतलाम की लगभग 700 बसें जिनके चक्के जाम पड़े हैं। सरकार को कई ऐसे व्यवसायी हैं जिनका लोन बैंकों से ऋण है, ऐसे व्यवसायी और जिनका ऋण देना बाकी है। ऐसे में सरकार को इन बस मालिकों की फिटनेस, बीमा और जो उनका टैक्स है वो लगभग 3 माह का टैक्स माफ़ कर देना चाहिए, जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया है। साथ ही बसों पे चलने वाले जो ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर आदि जो लोग हैं, ये भी इस महामारी के चलते अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, घर बैठे हैं। ऐसे में मोटर मालिकों को उनकी तनख्वाह देना पड़ रही है। उनके लिए भी कोई राहत पैकेज की घोषणा सरकार द्वारा की जाना चाहिए। ये अति नितांत आवश्यक है कि इन बस मालिकों को राहत प्रदान की जाए। ऐसे समय में जब ये वायरस चल रहा है तो कई मजदूरों को छोड़ने का काम और कई मजदूरों को इधर से उधर ले जाने का काम, उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम बस मालिकों ने सरकार की सहायता के रूप में किया है। तो सरकार को भी इन बस मालिकों की जो मांग है उस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय करना चाहिए और 3 माह का जो है टैक्स और बीमा, फिटनेस माफ किया जाना चाहिए और जो है ड्राइवर, कंडक्टर और खलासियों के लिए भी कोई पैकेज की घोषणा करना चाहिए। यह मांग मैं मंदसौर, नीमच और रतलाम जिला बस एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार से ये मांग रख रहा हूँ और हमने एक ईमेल के माध्यम से भी सरकार को इस मांग से अवगत कराया है। निश्चित ही कोई निर्णय संभव तो बस मालिकों के हित में किया जाएगा, ऐसी हमें पूरी संभावना है। अभी जैसे पूरे देश में पता ही है कि एक भयंकर वैश्विक महामारी के चलते पूरा देश लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते पूरे संपूर्ण देश में 22 तारीख से लगाकर निजी यात्री वाहनों सहित सभी ट्रांसपोर्ट बस व्यवसायियों के पहिए थमे हुए हैं। जो बस व्यवसायियों की पीड़ा ये है कि उनका 3 माह का टैक्स, बीमा, फिटनेस आदि के लिए सरकार को सोचना चाहिए और बसों का जो यात्रीगण टैक्स रहता है वो सरकार पहले से हर माह, प्रत्येक माह एडवांस ले लेती है। जैसे कि 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया था तो हमको मार्च की 1 तारीख को ही टैक्स भरवा लेते हैं,
तो वो टैक्स तो हमारा भरा हुआ गया ही है 8 दिन का। उसके बाद अब बस मालिकों की ये मांग है कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने में हमको, जैसे कई राज्यों ने छूट दी है समाचार पत्रों के माध्यम से, तेलंगाना, हरियाणा और गुजरात ने 3-3 माह के टैक्स माफ़ करने के आदेश प्रदान कर दिए हैं, तो मेरा माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान से इस न्यूज़ के माध्यम से मेरा निवेदन है, और रामपुरा मंदसौर प्राइवेट बस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा ये निवेदन है, हम संबंधित अधिकारी सबसे मेरा ये आग्रह है कि टैक्स माफ़ करने से बस मालिकों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इसके साथ बसों के साथ में 1 से लगा के 4 व्यक्ति का भरण पोषण होता है, वो भी बेरोजगार बैठे हैं, उनको भी तनख्वाह देना पड़ेगी, और फिटनेस चालू, बीमे चालू, किस्तों का अभी तक कोई सरकार ने, रिजर्व बैंक ने कहा जरूर है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों ने अभी तक हमको कोई, हमको किस्ते के लिए मैसेज आ ही रहे हैं, अभी तक उनने कोई हमको ये नहीं किया कि 3 महीने बढ़ गई। अगर सरकार जल्दी इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो आने वाले समय में बस मालिकों की भयंकर दुर्दशा होने वाली है। बस मेरा सरकार से यही निवेदन है कि बस मालिक भी एक अति आवश्यक सेवा का ही कार्य करते हैं, गंतव्य स्थान से पहुंचाने का, और इस वर्ष काफ़ी वर्षा भी बहुत हुई थी, उस वर्षा के कारण भी बस व्यवसाय पहले से ही 3-4 महीने से बहुत भयंकर पीड़ा में था, इसलिए मेरा यही निवेदन है प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द इसको अप्रैल, माह और जून 3 महीने का टैक्स माफ़ करने के निवेदन।